वायरल वीडियो मामले में उत्तराखंड सरकार में मंत्री मुश्किलों में घिर गए हैं। सुरेंद्र सिंह नेगी की पत्नी और उनके समर्थकों ने प्रेमचंद्र अग्रवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। मामले में कार्रवाई न होने से नाराज सुरेंद्र सिंह नेगी की पत्नी दमयंती देवी ने त्रिवेणी घाट में मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया, साथ ही सुरेंद्र सिंह नेगी को न्याय दिलाने के लिए प्रार्थना की। दमयंती देवी ने कहा कि वो प्रेमचंद्र अग्रवाल को बर्खास्त करने के लिए लगातार सीएम धामी से मिलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें मिलने का समय नहीं दिया जा रहा। दमयंती ने कहा कि जब तक प्रेमचंद्र अग्रवाल मंत्री पद पर बने रहेंगे, तब तक उनके पति के साथ हुई मारपीट मामले में निष्पक्ष जांच होने पर उन्हें संदेह है। हम तो न्याय चाहते हैं सर, न्याय चाहते हैं कि प्रेमचंद्र अग्रवाल जी जब तक मंत्री पद पर बने रहेंगे तब तक हमें न्याय नहीं मिल पाएगा। जब वो मंत्री पद से हटेंगे और उनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाएगा तब मुझे न्याय मिलेगा जी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर 25 मई को महापंचायत बुलाई गई। ये महापंचायत ऋषिकेश के गुमानीवाला में होगी, जिसमें प्रेमचंद्र अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। बता दें, सुरेंद्र नेगी की पत्नी दमयंती देवी और धर्मवीर प्रजापति की मां कुसुम राजी प्रजापति ने प्रेमचंद्र अग्रवाल के खिलाफ आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने लोगों से मामले में पुलिस की जांच रिपोर्ट आने तक इंतजार करने की अपील की है। उत्तराखंड बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने जांच के बाद दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। देखिए, राज्य में कानून का राज है और कानून अपना काम कर रहा है। पुलिस प्रशासन इस पूरे प्रकरण की जांच कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही बहुत स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पारदर्शिता से जांच होनी चाहिए और जांच के उपरांत जो भी इसमें जिसके खिलाफ भी जांच आएगी, जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून काम करेगा, लोक प्रशासन काम करेगा, पुलिस प्रशासन काम करेगा, इसलिए इंतजार करना चाहिए। देखिएगा, ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें मुख्य जो मुद्दा है वो है, हम लोग एक महापंचायत कर रहे हैं। जैसा आप सभी को पता है कि विगत 2 मई को उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा स्थानीय जो ऋषिकेश के दो युवक हैं सुरेंद्र सिंह नेगी और धर्मवीर प्रजापति, उन दोनों के ऊपर मार पिटाई की गई, जानलेवा हमला किया गया। तो उसके बाद हम लोगों ने कोशिश की कि हमें पुलिस और सरकार की तरफ से न्याय की उम्मीद थी, जो उम्मीद बिल्कुल धूमिल होते हुए दिख रही है। पुलिस और प्रशासन जिस तरह से जांच कर रहा है, जिस तरह से माननीय जो प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं वो अपने मंत्री पद का प्रभाव जो है पुलिस के ऊपर दिखा रहे हैं, तो उसकी वजह से अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा था। हम लोग जनता की अदालत में जा रहे हैं, जनता को आह्वान कर रहे हैं, पूरे उत्तराखंड की जनता को। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की धूम देखने को मिल रही है। चार धाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं का निराला अंदाज भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है। हैदराबाद से भी चार धाम यात्रा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे। हैदराबाद के श्रद्धालुओं का एक ग्रुप चार धाम यात्रा के दौरान तेलुगु गाने पर थिरकता नजर आया। चार धाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री दर्शन के बाद गंगोत्री जाने से पहले श्रद्धालु आराम करने के लिए उत्तरकाशी में रुके थे। इस दौरान श्रद्धालु मस्ती करते हुए चार धाम यात्रा का आनंद लेते नजर आए। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पहाड़ से मलवा और पत्थर आने की वजह से किसला के पास बाधित हो गया। वहीं बड़कोट नेशनल हाईवे और पुलिस प्रशासन मौके पर रास्ता खोलने में जुटा है। हालांकि लगातार हो रही बारिश के कारण रास्ता खुलने में वक्त लग सकता है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 2 से 3 दिन बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान जताया, जिसको देखते हुए श्रद्धालुओं से मौसम को देखकर यात्रा करने की अपील की गई। उत्तराखंड को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। पर्यटन को तो पंख लगेंगे ही, साथ ही देहरादून से दिल्ली का सफर भी अब आसान हो जाएगा। पहले इन दोनों शहरों के बीच दूरी को तय करने में 6 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता था। अब वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने के बाद लोग सिर्फ 4.5 घंटे में ही देहरादून से दिल्ली का सफर तय कर सकेंगे। 29 मई से वंदे भारत ट्रेन का विधिवत संचालन शुरू हो जाएगा। ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी, जिससे लोगों का सफर आसान होगा। मेरा नाम लालू वर्मा है। मैं इसी ट्रेन में अभी दिल्ली से देहरादून तक आया हुआ हूं। तो इसमें हम लोग अभी यूएन में है, यूएन कोच पे है। तो इसमें जो हम फैसिलिटीज देख रहे हैं अभी, जैसे कि हम लोग सीट की फैसिलिटीज देख रहे हैं, वो बहुत ही बढ़िया है और पूरी फुल्ली एसी है ये, है ना। और इसमें अगर हम सीट की बात करें तो ये सीट आपस में रोटेट भी होती है, जैसे कि हम अभी करके दिखाएंगे आपको। और फिर उसके बाद में देखते हैं तो उसका ट्रे भी उसी में है, और उसके बाद में देखते हैं तो नीचे एक जो पावर हमारा सॉकेट लगा हुआ है चार्जिंग,
या लैपटॉप के लिए, वो भी बहुत ही बढ़िया जगह में दिया हुआ है। रुड़की में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का बड़ा एक्शन देखने को मिला। नगर निगम की टीम ने रामपुर रोड पर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की। 33 दुकानों के शटर डाउन कर उन पर ताला लगा दिया। नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी विजय नाथ शुक्ला से मिली जानकारी के मुताबिक लोगों ने नगर निगम की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था। कोर्ट से भी नगर निगम के पक्ष में फैसला आया था, जिसको लेकर लोगों को नगर निगम की जमीन खाली करने के लिए वक्त भी दिया गया था, लेकिन जब लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। कार्रवाई से नाराज एक शख्स ने बताया कि उनके पास बैनामे के साथ साथ हाउस टैक्स बिजली बिल की रसीद भी है। उन्होंने पिछले महीने भी नगर निगम में हाउस टैक्स जमा कराया है, जिसके बाद भी सवाल उठ रहा है कि अगर इस जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है तो हाउस टैक्स कैसे जमा किया जा रहा था। ये हुई जी, 10 मिनट पहले आए, सामान तक भी निकालने नहीं दिया और अपने ताले लगा दिए। 92 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। बेनावा, हाउस टैक्स की रसीद, बिजली के बिल, हमारे पास सब कुछ है। अभी पिछले महीने हाउस टैक्स लिया इन्होंने, जब इनकी चीज़ है तो हाउस टैक्स क्यों ले रहे? आपका कोई सामान उठा के और आप ही को बेचा लगा, क्या आप खरीद लेंगे उसको? जब हम 92 से रह रहे, इन्होंने हमारी दुकान का ताला लगा दिया, ना कोई कोर्ट का आदेश है और ना ही कोई कहीं के इनके पास कागज। मैंने कहा भाई आप कोर्ट के कागज दिखाओ, भाई मुकदमा जीतते हुएगा। 2016 में मुकदमा डाला था, ये वो आदमी मर गया था, ये पेंटिंग डाला हुआ। देखिए यहाँ पे नगर निगम की जो संपत्ति है उसमें कुछ लोग अवैध रूप से कब्जा किए हुए थे, जिसमें माननीय न्यायालय से भी हमारे पक्ष में फैसला हुआ है और हमने इनको काफ़ी समय दिया था, उसके बावजूद कुछ लोग खाली नहीं कर रहे थे। तो आज उसी क्रम में 33 शटर हैं जिनमें ताला लगाकर निगम के द्वारा कब्जा लिया गया है। इसमें कार्रवाई की जाएगी। अभी जो लोग बचे हुए हैं, कुछ लोग के आवास हैं, उनको भी कहा गया है कि अगर नहीं करेंगे तो एक दो दिन के अंदर उन पर भी कार्रवाई होगी, उनका भी। देखिए कुल 27 केस हैं यहाँ पे हमारे, जिसमें से जितने कमर्शियल थे वो सब पे कब्जा ले लिया गया। जो आवासी हैं उनको चूंकि लोग रह रहे हैं, एक दो दिन कहा गया है अगर नहीं करते हैं तो फिर उस पर भी कार्रवाई कीजिए। उधम सिंह नगर के जसपुर में भी अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आया। अब सैकड़ों परिवारों को सिंचाई विभाग ने नोटिस दिया है, जिसके बाद लोगों को बेघर होने का डर सताने लगा है। सिंचाई विभाग ने अतिक्रमण हटाने के लिए बाकायदा मकानों को चिन्हित कर लिया है। लोगों का कहना है आजादी के बाद से उनके पूर्वज यहां रहते थे, ऐसे में अगर घर तोड़ दिए जाएंगे तो वो कहां रहेंगे। लोगों ने सरकार से रहने की व्यवस्था करने की मांग की। मंगत सिंह जी, सर जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हम यहीं हैं, इसी जगह पर, हमारा जन्म भी इसी जगह पर हुआ है। लगभग 48 साल मेरी उम्र हो गई है, हमारे पूर्वज भी यहीं पर रहे हैं और सरकारें आती जाती रही हैं, सब आश्वासन देते रहे हैं, लेकिन ये सरकार आई है तो अब यहाँ से हमें जो है नोटिस आ गए, और इससे पहले भी आए थे, और ये लोग अब निशान लगा गए लाल रंग का के, इन्हें यहाँ से 7 दिन का समय दिया गया है नोटिस का, 7 दिन का। मांग हमारी यह है कि अगर सरकार, देश आज़ाद हुआ नोटिस दिया गया कि आप तुम यहाँ से चले जाओ, जाएंगे हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? मांग हमारी है, हमें जहाँ बैठे हम यहीं बैठे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं भी, चाहे कट जाए चाहे फट जाए, कुछ भी हो जाए। हम लक्षण की वोटें डालते, हमारे किसी ग्राम सभा में नहीं है, हम किसी जगह पे नहीं है, बार बार की वोटें डलती हैं, पक्के जिनके बंदे से पक्के हैं वो। मांग हम जहाँ बैठे हम यहीं बैठे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं भी। तो हमें जगह दें भैया, पहले जगह दें, बाद में हमें अपने आप ही हम चले जाएंगे। रुड़की में बीजेपी युवा मोर्चा की जिला और मंडल कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के अलावा रुड़की के नगर विधायक प्रदीप बत्रा और बीजेपी जिला अध्यक्ष शोभा राम प्रजापति मौजूद रहे। बैठक में उत्तराखंड में चल रही केंद्र सरकार की योजनाओं पर चर्चा हुई। रमेश पोखरियाल निशंक ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, पीएम मोदी उत्तराखंड से विशेष लगाव रखते हैं, इसलिए उत्तराखंड में हजारों करोड़ों की विकास योजनाओं का काम चल रहा है। बैठक के दौरान नए पदाधिकारियों को बीजेपी की नीतियों और लोगों के हितों में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। मोर्चा के परिचय सम्मेलन में आज आप सभी मंडल के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे बीच हमारे लोकप्रिय सांसद हमने जन्म जी रहे, पूरी टीम जो है जिले में गठित हो चुकी है, जितनी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जब से जिला बना है, सरकारों की सभी खाना खुला है, एक नए पदाधिकारी बने, हम चाहते हैं कि पार्टी पार्टी की जो आगे बढ़ाएं,
देश हमारा ये 9 साल से आगे बढ़ रहा है, जो परिवर्तन आया है हम उसे परिवर्तन छोड़ रहे हैं, परिवर्तन से कुछ आगे बढ़े हमें क्या विदेश पार्टी है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के साथ जिस तरीके का प्यार है, लगाव है, और लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं आज यहां उत्तराखंड की धरती पर चल रही हैं, चाहे चार धाम महा योजना का 12.5 हज़ार करोड़ का हो, और चाहे ऋषिकेश कर्ण प्याग रेल लाइन 16.5 हज़ार करोड़ की हो, हजारों करोड़ की योजना। और आपको तो मालूम है कि कल ही वंदे भारत मातरम जो 25 तारीख को मई को प्रधानमंत्री वर्चुअल उसको हरी झंडी दिखाएंगे, वो देहरादून से शुरू होगी, जिसका हरिद्वार में भी बड़ा भव्य स्वागत होगा। देहरादून में रेल मंत्री वैष्णव जी रहेंगे, अश्विनी वैष्णव जी। बुलेटिन में अब बात करते हैं टिहरी जिले के नरेंद्र नगर की, जहां आजादी के इतने साल बाद भी सड़क की मांग को लेकर लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। 25,000 से ज्यादा की जनसंख्या वाले इलाके को यातायात सुविधा देने के लिए पट्टी, कुंजड़ी, दोगी, क्वीली, पालकोट और धारकरिया के लोग साल 1985 से 1986 तक जाजल शिवपुरी मोटर मार्ग की मांग करते हैं, लेकिन अभी तक 23 किलोमीटर लंबी इस सड़क को दोनों छोर से सिर्फ 16 किलोमीटर ही काटा गया। धौड़िया गला से लेकर व्यासी तक के 7 किलोमीटर का इलाका वन भूमि होने के कारण सालों से अधर में है। लोगों का कहना है सरकार उनकी मांग को नजरअंदाज कर रही है। जो जाजल छिपरी मोटर मार्ग है, इसको जो संबंधित परिवहन अधिकारी है, जो भारत सरकार की क्षेत्रीय अधिकारी यहाँ, वो अनावश्यक जो है हट लगाए हुए है इसको स्वीकृत न करने की, तो ये बहुत चिंता का विषय है। एक अधिकारी के कारण इतना विकास कार्य कैसे रुक सकता है ये, और क्यों रुक जाएगा? क्या प्रदेश की कोई भूमिका नहीं है? क्या सरकार की कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं है? और महत्वपूर्ण बात यह कि मुख्यमंत्री ने ये सड़क स्वीकृत की है, मुख्यमंत्री की घोषणा है ये, और मुख्यमंत्री की घोषणा को एक अधिकारी जो पलीता लगा दे, ये कैसे संभव, इसको कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? ये सब लोगों की चिंता का विषय है। लोग यही सोच रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री की घोषणा को एक अधिकारी कैसे नजरअंदाज कर सकता है। मैं आप ये भी पूछना चाहता हूँ कि तमाम उत्तराखंड में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सड़क गई है और वहाँ जंगलात का पार्ट ना हो? हर जगह जंगलात को के ही अंदर जो है रोड गई है, तो यहाँ पे ऐसी कौन सी बड़ी बात हो रही है कि आज क्या जंगलात की बात? आज जिसे पूरे क्षेत्र के लोगों में बहुत रोष व्याप्त है, और लोग अगर ये शीघ्र इसमें इसका भारत सरकार इसमें फॉरेस्ट की नहीं करती है, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं देती है, तो क्षेत्र के लोग आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में इसका बहिष्कार करेंगे। और दूसरा आंदोलन के लिए हम सब लोग इसमें एकजुट होकर के आंदोलन करेंगे। पौड़ी के राजकीय इंटर कॉलेज पुरिया डांग के 50 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम देखने को मिली। कार्यक्रम में विधायक राजकुमार पौड़ी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्र निर्माण में युवाओं के योगदान को अहम बताया, साथ ही शानदार आयोजन के लिए स्कूल प्रशासन और आयोजन समिति की तारीफ की। आज कलजीखाल विकास खंड के अंतर्गत पुरिया डांग राजकीय इंटर कॉलेज पुरिया डांग में स्वर्ण जयंती समारोह के शुभ अवसर पर मैं वहाँ पर अपने क्षेत्रीय जनता के बीच में गया, और वहाँ पर लोगों ने भव्य स्वागत जैसा उन्होंने स्नेह और प्यार दिखाया, मैं उसके लिए अपनी समस्त जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। और इस अवसर पर वहाँ पर जो 50 साल पूरे हुए विद्यालय को, इस अवसर पर उन्होंने तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम थे, जिसमें कि उन्होंने पुरिया नैथानी जी का जो मुगल काल में हमारे गढ़वाल के जो राजा थे, हिंदू राजा थे, उनके सेनापति थे, और उन्होंने उस हमारे गढ़वाल क्षेत्र का जो जजिया कर था अपनी भागपटुता, और उसके द्वारा उन्होंने जो है उसको समाप्त कराने का आग्रह किया, और वास्तव में राजा ने वो जो है जो मुगल शासक था उसने उस जजिया कर को ख़त्म किया।